ब्लड कैंसर डे का आयोजन गैलेक्सी अस्पताल पठानकोट में किया गया, जिसमें DMCCH में एसोसिएट प्रोफेसर और हेड मेडिकल ऑनकोलॉजी डॉक्टर दविंदर पाल विशेष रूप से गैलेक्सी हॉस्पिटल पहुंचे, जिन्होंने 200 से अधिक मरीजों का चेकअप किया और उन्हें कैंसर से बचाव लक्षण व इलाज के बारे में जागरूक किया और अगर कोई कैंसर पीड़ित हो तो वह किस प्रकार अधिक समय तक जी सकता है और ये भी बताया। इसके अलावा उन्होंने DMCCH लुधियाना में कैंसर के इलाज के लिए बेहतर मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी भी दी। मैं डॉक्टर अमन महाजन, मैनेजिंग डायरेक्टर गैलेक्सी हॉस्पिटल सिंबल चौक पठानकोट, एज एन सर्जन काम करता है। तो अज दसना चाहना है कि अज डॉक्टर दविंदर पाल जिहड़े कि हैड ऑफ डिपार्टमेंट मैडिकल ऑनकोलॉजी ने DMC लुधियाना दे ते वर्ल्ड कैंसर केयर ते अमेरिकन ऑनकोलॉजी इंस्टीट्यूट के कलैबोरेशन नाल मैगा कैंसर अवेयरनैस कैंप इत्थे लगाया गया है, जिस विच वर्ल्ड कैंसर केयर वालों डिजिटल मैमोग्राफी, बोन मैरो डेंसिटी टैसटिंग, ऑल ब्लड टैसटिंग, ओरल कैंसर स्क्रीनिंग की जा रही है। द एम ऑफ दिस कैंप इज जस्ट टू अवेयर द पेशेंट अबाउट द कैंसर डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट, एंड द पेशेंट शुड गैट द प्रॉपर ट्रीटमेंट एट द राइट टाइम एंड शुड नो द राइट पाथ कि अपन ट्रीटमेंट कितने करवाना है तो किमें कराना है तो वो की इफेक्ट्स है। तो अगर पेशेंट नूं डायरेक्शन ट्रीटमेंट दी ठीक मिल जाए तो वह क्यूरेटिव रेट भी कैंसर का बैटर हो जाता है, पेशेंट का प्रोग्नोसिस भी बैटर हो जाता है, लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ बैटर हो जाती है। साढ़े को डॉक्टर दविंदर पाल अमेरिकन ऑनकोलॉजी इंस्टीट्यूट के कंसल्टेंट और DMC के हैड ऑफ द डिपार्टमेंट हर तीजे शनिवार पठानकोट पेशेंट्स नूं कैंसर रिलेटिड पेशेंट्स नूं चैक करते हैं, उन्होंने गाइड करते हैं, उन्होंने ट्रीटमेंट रिलेटिड सलाह भी देते हैं, विच इज़ प्रूविंग वेरी बेनीफिशियल टू द पेशेंट फॉर द लास्ट 4 years। एंड आई एम होपफुल द पीपल ऑफ पठानकोट विल गेट दिस बेनिफिट एंड कैन कंसल्ट हिम एवरी 3rd Saturday ऑफ द मंथ फॉर हिज वैल्यूएबल ओपिनियन। दिस इज़ अ ग्रेट फैसिलिटी टू द पीपल ऑफ पठानकोट। आई एंड थैंक्स। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र पॉल है, मैं एसोसिएट प्रोफेसर और हेड डिपार्टमेंट मेडिकल कॉलेज DMCH दयानंद मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल लुधियाना से आया हूँ। हमने यहाँ पे पठानकोट में गैलेक्सी हॉस्पिटल के साथ मिलकर और वर्ल्ड कैंसर केयर ऑर्गेनाइजेशन से के साथ मिलकर आज यहाँ पर एक बहुत बड़ा ऑनकोलॉजी का अवेयरनेस कैंपेन और अवेयरनेस शेड्यूल बनाया है, जिसमें कि बहुत सारे मरीज़ तो आए ही हैं और बहुत सारी नॉर्मल जो लोग हैं, जनता है, जिनके मन में कोई भी सवाल है कैंसर के रिगार्डिंग, वो भी यहाँ पर आए हैं। खास करके हमारी लेडीज़, हमारी माताएँ, बहनें, उनको हमने यहाँ पे बुलाया है ताकि हम उनकी स्क्रीनिंग कर सके कैंसर के रिगार्डिंग, बिकॉज कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसको अगर हम पहले पकड़ ही लिया जाए या फिर उसको होने ही ना दिया जाए वो बहुत ज़्यादा बेहतर है, राधा धन कि हम उस चीज़ के इलाज में बहुत सारे पैसे लगाएं। तो यहाँ हमने अपने कैंप में हमने मैमोग्राफी की फैसिलिटी प्रोवाइड की है, जिसमें कि लेडीज़ की हमने मैमोग्राफी की है ताकि उनकी छाती में अगर कोई कैंसर के लक्षण बन रहे हैं तो हमें पहले ही पता लग जाए। इसी प्रकार हमने कुछ ब्लड टेस्ट भी लोगों के लिए प्रोवाइड किए हैं, जिसमें कि हमें कैंसर के बारे में जल्दी से जल्दी पता लग जाता है। इसके अलावा जो भी आम जनता के मन में कैंसर के रिगार्डिंग, कैंसर के बारे में कोई भी जानकारी लेनी हो, कोई उनके मन में कोई शंका हो इस खास करके इस बारे में कि कौन से टेस्ट करवाएँ, कैसे खाएँ, क्या खाएँ और क्या किसी कैंसर के जो हम टेस्ट करवाते हैं उनका कोई नुकसान तो नहीं है, इन सब के बारे में हमको बहुत सारे सवालों के आराम पूरी तरह से हमने उनके जवाब दिए हैं। तो ये कैंप लगाने का हमारा मकसद यही होता है कि हम इस ना सिर्फ इस चीज़ का इलाज करें बस, बल्कि हम अपने लोगों को इसके बारे में समझाएं ताकि उनके मन में कोई भी इस प्रकार का डर ना रहे और अपना इलाज बहुत आराम से और अच्छे तरीके से करा सकें। DMC कैंसर केयर सेंटर लुधियाना पिछले 4 साल से गैलेक्सी हॉस्पिटल पठानकोट के साथ मिलकर यहाँ पर महीने के हर 3rd शनिवार पर हमारे यहाँ पर एक कैंप होता है, जिसमें कि हम आमतौर पर 30 से 50 या उससे भी ज़्यादा मरीज़ों को हर महीने देखते हैं। और ये हमारा जो प्रोग्राम है ये पिछले 4 साल से बहुत सुनिश्चित तरीके से चल रहा है और हम चाहते हैं कि ये हम अपनी सर्विसेज जो कि हम DMC में रहकर तो हम प्रोवाइड करते ही हैं, पर हम चाहते हैं कि जो हम केयर वहाँ DMC में प्रोवाइड कर सकते हैं एक बड़े हॉस्पिटल में, वही सर्विसेज और वही सेवाएं हम पठानकोट में भी प्रोवाइड करते रहें, जो कि हम कर भी रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद। फास्टवे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्टवे न्यूज पठानकोट के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फास्टवे न्यूज पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।